गोटा के नूनबट्टा पंचायत के सहारपुरा गांव में बीती रात चोरों ने ट्रांसफार्मर के अंदर के सारे सामान की चोरी कर ली। गांव के लोगों ने बताया रात में जब सब सो रहे थे तब ये घटना घटी। गांव के लोगों ने बताया यहां रात भर बालू गाड़ी चलता है जिससे लोग रात में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के कारण बाहर निकलते भी नहीं है। वहीं बीती रात ट्रांसफार्मर के अंदर से क्वाइल व सारा कीमती सामान चोरों ने चोरी कर ली है। क्या इसके बारे में जानकारी है कि हुआ क्या यहाँ पे और कैसे हुआ ये? ये हुआ इसलिए क्योंकि मतलब रात कल जब बारिश हुआ था उसके बाद लाइट जो काटा है उसके बाद लाइट नहीं आया। जब सुबह हुआ तो हम लोगों को पता चला कि जो है ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, सब क्वाइल वगैरह खोल करके और जो है देखते हैं कि जब आज सुबह आदमी जब जगा तो लगा कि मतलब सब सामने जमीन पर आया, देखता है कि सब खुला हुआ है। सामने तो गाँव तो सामने ही है, गांव सामने में है लेकिन गांव आदमी जो है सोया हुआ था सोने मतलब रात को आदमी को क्या है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसलिए के पता। अच्छा मतलब ये किसी का नजर में नहीं है? आप लोग का घर तो यही है सामने सामने आप लोग किसी का नजर पड़ा होगा इसमें? रात में तो कोई जगा हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा, रात भर ट्रैक्टर चलता था, चार पांच को बालू गाड़ी अच्छा रात में ट्रैक्टर भी चल रही थी इसमें बालू वाला गाड़ी चलता है। अच्छा डेली रात में ट्रैक्टर भी चलता है? मतलब डेली ही समझिए दो तीन दिन से तो चल ही रहा है। किसी दिन ज्यादा चला रात भर आदमी को सोने के लिए जो है मजबूर कर देता है, इतना गाड़ी चलता है, इतना हड़बड़ हो रहा है, कोई पता नहीं, इतना बालू गाड़ी चल रहा है कि रात भर आदमी सो नहीं सकता है। रात में ये पता नहीं चला नहीं। मतलब सुबह जगने के बाद लोगों को दिखा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो ये सारा सामान है सारा उतार के जितने भी क्वाइल है सारे क्वाइल को काट के लेके मतलब चला गया है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ उसका जो उसका ब्लैंक है वो ब्लैंक सिर्फ ट्रांसफार्मर बचा हुआ है जी।